तो फ्रेंड्स, गर्मियों का टाइम चल रहा है और आज हमने बनाया है ये बहुत ही डिलीशियस सी आम पाना, जो कि इंस्टेंट क्विक बनकर रेडी हो गई है और गेस्ट को सर्व करने के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए, इस यमी सी दिखने वाली ड्रिंक की पूरी रेसिपी मैं आगे अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि इस गर्मी आप भी इसी तरह की ड्रिंक बनाकर और इस गर्मी को अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपास किचन। रूपास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों का टाइम चल रहा है और लगभग आम हर जगह मिलने लग गए हैं, तो आज हम आम की एक मज़ेदार सी ड्रिंक बनाते हैं, जिसका नाम है आम पाना। आम पना उत्तरी भारत की ट्रेडिशनल रेसिपी है और ये जो आम पना है ना, ये नेचुरली ही कूल ड्रिंक है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और कैल्शियम्स अवेलेबल होते हैं, जो गर्मी में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको गर्म हवा लग गई है, तो उससे भी ये आपको तुरंत रिलैक्स देता है। ये पीने में जितनी स्वादिष्ट होती है, बनाने में भी उतनी ही आसान है। तो चलिए, अब हम आम पना बनाना शुरू करते हैं। आम पना बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर ले लेते हैं और हमने जो आम लिए हैं उसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा पानी भी ऐड कर लेते हैं। इसमें 2 से 3 सीटी आ जाने देते हैं, जब तक हमारा आम अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर हम वेस्टर्न समर ड्रिंक बना रहे हैं, तो बिल्कुल हम उसी स्टाइल में बनाएंगे जिस तरह से यूपी में इसे बनाया जाता है। ये आम बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं और ठंडे भी हो गए हैं, और आप देख सकते हैं इसके पल्प कितने ईजिली निकल जा रहे हैं। यहाँ पर हमने छिलके बाहर निकाल कर रख दिए हैं और आम के सारे पल्प को इसमें निकाल लिया है। खुटलियों को भी हम साइड में रखते जाते हैं इस तरह हाथ से ही मैश करते हुए, और सारे पल्प को इसमें अच्छी तरह से ऐड कर लेते हैं। हमने मैंगो के पल्प अच्छी तरह से निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल थिक बैटर की तरह बनकर रेडी हो गया है। अभी इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं मिंट लीफ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसके फायदे भी बहुत है। अब हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम ले लेते हैं एक बाउल को और एक स्ट्रेनर रख लेते हैं। और इस आम पाना को अच्छी तरह से स्ट्रेनर के हेल्प से छान लेते हैं। छानने का फायदा ये होगा कि जो भी सॉफ्ट मटेरियल है वो पूरा नीचे चला जाएगा, और जो बॉईल करते वक्त अच्छे से बॉईल नहीं हो पाए हैं वो हमारे इस छलनी में आ जाएंगे। देख सकते हैं ये पूरा अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारा लगा हुआ है, इसे भी हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फाइन ड्रिंक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनकर रेडी हुआ है, और इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपको आम और अभी भी बहुत ज़्यादा खट्टे लग रहे हैं, इसमें शक्कर ऐड कर लीजिए, और अगर ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमारा आम पाना बिल्कुल सर्व के लिए रेडी हो चुका है, तो बिना लेट किए हुए हम इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ट्रे ले लिया है और अब हम रख लेते हैं अपने सर्विंग ग्लासेस को। एक आइस क्यूब ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ड्रिंक्स तो ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं, और समर ड्रिंक्स में आइस ऐड कर दो तो उसका तो स्वाद और लाजवाब हो जाता है। ऐड कर लेते हैं अपने यमी से आम पाना को।
थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड कर लेते हैं ऊपर से गार्निश के लिए। और यहाँ पर हमारे गार्डन के बिल्कुल फ्रेश से मिंट लीफ हैं, इन्हें हम ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल बनकर तैयार है हमारी बहुत ही यमी सी मैंगो ड्रिंक, बिल्कुल इंस्टेंट और क्विक बनी है। समर, आपके घर में कोई भी गेस्ट आते हैं ना, तो आप उन्हें ये ड्रिंक ज़रूर सर्व करें, उन्हें बहुत ही पसंद आएगी ये ड्रिंक। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।